हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ओबे, क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो आपका सेकंड पार्ट में या किसी किसी थर्ड पार्ट में दे रखा है अकाउंट्स की बुक में। और मेनली अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, अकाउंटिंग रेशियो में हम क्या करते हैं कि हमारी कंपनी के कंपेरिजन करते हैं कि अगर कंपनी ने कर्जा ले रखा है तो उसको कितना चुका पाएगी, कंपनी की लायबिलिटी के अनुसार कंपनी की एसेट्स कितनी है, इन सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम रेशियो निकालेंगे वो निकालेंगे करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, करेंट एसेट्स, नाम में एसेट लगी हुई है यानी कि आपकी संपत्ति, लेकिन करेंट एसेट्स होती क्या है? करंट एसेट यानी कि जो एसेट्स आपकी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपकी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? वो संपत्ति जो आपकी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपकी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी क्या है? वो लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर देनी ही देनी है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करंट रेशियो का? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, और क्रेडिटर दे रखा है, डेबिटर दे रखा है। सबसे पहले इसमें हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा करंट एसेट्स है या कौन सा हमारा करंट लायबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर कैश में हो जाएगी कन्वर्ट, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारी एसेट। तो हमारी कैश, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेब्टर, ये सब हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। तो हमने इन सबको जोड़ दिया, जोड़ के हमारा कितना आया? 37,000। अब बात आई करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी हमारी क्या होती है? जो आपको एक साल के अंदर पेड करनी है, वरना बहुत मारेगा वो, बहुत मारेगा, कुत्ते की तरह मारेगा, सुगर भर देगा। करंट लायबिलिटी यानी कि आपको एक साल के अंदर पेड करनी है। तो पेड करने वाली है आपकी बिल्स पेबल 5,000, क्रेडिटर 10,000। बहुत से मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। उन्हें मैं बता दूं, एसेट्स हमारे बाप का माल, हमारी सरकार है, हमारा पैसा है, यानी कि जो चीज़ हमारी है वो हमारी संपत्ति है। उसके नाम अलग अलग होते हैं, उन्हीं में से है करेंट एसेट्स है। लायबिलिटी हमारी, चांद पे कर्जा भैया, कर्जा लद गया, चांद पे उतारना पड़ेगा, जो पैसा हमें दूसरों को देना है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमने ये करेंट एसेट्स को जोड़ के करेंट एसेट निकाला। करेंट लायबिलिटी मैंने बताया था बिल्स पेबल और कैटर थी, दोनों को जोड़ के ये निकाला। अब मैंने निकाल दिया करेंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। 37,000 डिवाइड बाई 15,000 आया आपका 2.46 रेशियो। ये आपका करंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।